जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो हमारी फैमिली में मतलब कोई लेडीज़ है, वो मतलब हर रोज ही खाने में डालती है, मतलब क्या, तो उससे मेरे हस्बैंड के ना कान में मतलब काफ़ी 1-2 ईयर हो गया है कि उनके कान में ना आवाज़ सी आती है बहुत तेज। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई तेरे कोई करीबी है तो तू संभल के वहमा विच नहीं पैना। तो अब मैं खाना वाना अब मतलब अलग से बनाने लग गई हूँ, अपना और अपने हस्बैंड का, बच्चों का। तो से बहुत फर्क है हस्बैंड में, मतलब वो जैसे कानों में ऐसी आवाज़ नहीं है। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा थ्री मंथ हो गए हैं हस्बैंड की जॉब नहीं है, और पता नहीं कैसे पैसा आ जाता है और हमारा चल जाता है काम, पता नहीं। तो उसके लिए भी गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि भाई पैसे की चिंता ना कर, 4-5 दिन बाद सब ठीक हो जाना है। तो थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और कल, हाँ कल मेरा ना पता नहीं क्या पैर में, मतलब गुरुपा का पहले से ही मैसेज आ रहा था कि अपना ध्यान रखी, कोई अनहोनी होने वाली है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पैर पे लगी थी मेरे पर ज़्यादा नहीं लगी, तो कृपा बहुत बहुत शुक्राना। कल तो मुझे लग रहा था कि बस मैं गई, कुछ ना कुछ चोट लग जाती। तो शुक्राना गुरुपा, जब आप साथ हो तो क्या डर। गुरुपा बस मैं ये कह मेरी ये अरदास है, गुरुपा मुझे इस दलदल से निकाल दो गुरुपा, अलग से ही मतलब रहूँ मैं गुरुपा। मुझे जॉइंट फैमिली में जब ऐसा हो तो मैं नहीं रहना चाहती गुरु पाओ, प्लीज मुझे इस दलदल से निकाल दो गुरु पाओ। थैंक यू सो मच संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई भूल चुक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मुझसे कोई गलती हो गई तो सॉरी उसके लिए। और गुरुपा आप बहुत बहुत कृपा कर रखी है आपने, हमारे हर रोज संकट ले लेते हो, तो उसके लिए भी बहुत बहुत कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर। मैं अपना जर्नी शुरू से ही शुरू कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में जन्माष्टमी के दिन से जुड़ी हूँ। ऐसे तो कौन किस दिन से जुड़ता है ये तो कोई नहीं जानता। संगत जी, जिस दिन गुरु जी मेरे लाइफ में आए उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी शेष जिंदगी शेष कर दूंगी, लेकिन मेन वक्त पर गुरुपा ने आके मुझे संभाल लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक है। वो हम सब को एक एक संगत को ख्याल करते हैं। कौन कहाँ और कौन दुख में है, कौन सुख में है, किंतु हम लोग थोड़ा परेशानी से थक जाते हैं, किंतु ये समझ ही नहीं पाते कि हम लोग का पूरा बुरा हम लोग का बुरा काम ही कर्म ही हम लोग को
तकलीफ देता है। इस बात को मैं भी नहीं समझती थी, लेकिन संगत सत्संग सुनते सुनते सब कुछ समझ में आ गया। संगत जी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष की हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे संभाले रखा, कभी भी मुझे गिरने नहीं दिया। मुझे कौन समय क्या चीज़ की ज़रूरत है, हर वो चीज़ गुरुपा ने दिया। संगत जी, मैं अपने मायके जाने वाली थी शादी में, मेरे घर में एक रुपया नहीं था, लेकिन गुरुपा ने मेरे बैंक अकाउंट में 40,000 रुपया डाल दिए। हम लोग को पता भी नहीं था कि ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, लेकिन मैं तो जानती थी कि ये चमत्कार मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। वो जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं उसके लिए शुक्रिया। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे 777777 का ब्लेसिंग दे रहा हूँ। मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, हम लोग के ऊपर आगे से इतना कर्जा है, घर में पैसे की तंगी चल रही है, लेकिन गुरु जी जो कहते हैं वो आज नहीं तो कल पूरा तो होगा ही। वो गुरु जी जाने कब कैसे क्या करना है, वही जानते हैं, क्योंकि इनके मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। संगत जी, मेरी बेटी मैट्रिक का परीक्षा दी है, मैं भी गुरु पास से अरदास करती हूँ और आप भी अरदास कीजिए कि मेरी बेटी का रिजल्ट अच्छा से आ जाए, अच्छे से पास कर जाए। और आंटी जी जो सत्संग शेयर करती है उनको भी मैं अपना शुक्रिया अदा करती हूँ मेरा सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरा बेटा का भी कोई जॉब वॉप नहीं लग रहा था, गुरुपा की मर्जी से वो अभी 1 महीना हुआ गया है, वहाँ से काम काज कर रहा है। मेरी गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा उसको भी हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस कीजिएगा, उसको भी अच्छा से रहिए रखिएगा। गुरु जी का तो मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे के ऊपर का कष्ट जो था मैंने टाल दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया आपने जो इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। मेरे बेटे को ख्याल रखिएगा गुरुपा, मैं आपके भरोसे वहाँ पर छोड़ दी हूँ। आप मेरे ज़िंदगी में हैं तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, क्या करूँ, काम करते करते थक जाती हूँ, थोड़ा टेंशन तो आ ही जाता है, किंतु सॉरी गुरुपा, सॉरी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। वो हर एक चीज़ के लिए जो आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जो आप मुझे दे रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू, शुक्रिया मेरे गुरुपा, शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे ही हम संगतों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, हर एक वो संगत को वो प्यार वो आशीर्वाद वो दुलार देते रहिए। गुरुजी थैंक यू, गुरुजी थैंक यू।